युवा कांग्रेस के राज्य सचिव एडवोकेट अंकुश राणा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मांग की है। प्रदेश जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। किसानों की रोजी रोटी जो पूरी ज़मीनों पे चलती हैं, उनको कोई जान मान का नुकसान ना हो, उनकी फसलों का नुकसान ना हो, इसलिए हमारा खासकर जो सुचेतगढ़ एरिया है, बॉर्डर एरिया, आरसपुरा, सुचेतगढ़, अरनिया, बिश्ना, इस साइड पे जितना ज़्यादा हो सके फायर ब्रिगेड की फैसिलिटी वहाँ पर दी जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर जितनी ज़्यादा हो सके वहाँ पर लाई जाएँ। और इसी के साथ अभी हाल ही में जो पिछले साल का मुआवजा लोगों को मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है, और मुझे सरकार से ये दरख्वास्त है कि उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिला जाए। दूसरी जो मेन बात है, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त है कि उनके आने से चलो वो आ रहे हैं, खुशी है सबको, लेकिन उनके एक ने कोई एक जम्मू को एक पर्टिकुलर पैकेज दिया जाए, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, जब से 2014 के बाद भाजपा सरकार बनी है, देश में आई है, जम्मू कश्मीर में भी ये आई है, तब से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान उठाया है वो है आम जनता, जो सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता ने उठाया है। मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि स्पेशल पंचायतों के लिए, पंचायत राज में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पेशल हर पंचायत के लिए कुछ ना कुछ अनाउंस किया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि असेंबली इलेक्शन की गतिविधि बहुत तेज़ हो चुकी है, स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, मेरी प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त है कि सर प्लीज़ इलेक्शनों से पहले जो कांग्रेस की सबसे मेन मुद्दा है, जो कांग्रेस का सबसे मेन आज के एक मुद्दा रहा कि हमको सबसे पहले स्टेटहुड दिया जाए, उसके बाद हमारे इलेक्शन कराए जाए। इसी के साथ मेरी पार्टी हाईकमांड, अपनी पार्टी हाईकमांड कांग्रेस से ये दरख्वास्त है कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाले हैं, और हमें हर हाल में जम्मू कश्मीर में लोगों की भलाई के लिए इलेक्शन जीतने हैं, अपनी भलाई के लिए, क्योंकि लोग भी जानते हैं अकेली एक कांग्रेस सरकार ही ऐसी है जो जम्मू कश्मीर को अच्छा जीवन दे सकती है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियाँ दे सकती है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शनों में आज़ाद साहब को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, आज़ाद साहब को फ्रंट फेस दिया जाए, आज़ाद साहब को फुल पावर दी जाए। अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार को वापस रिवाइव करना है किसी भी हालत में, तो वो उस कांग्रेस सरकार को जिताने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है जो कांग्रेस सरकार को जिता सकता है, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब, और कोई ऐसा इंसान नहीं। मैं आज दावे से कह सकता हूं, हाल ही में आपने देखा कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस पार्टी से कई ऐसे काबिल वर्कर जो ग्राउंड रूट में जुड़े हुए थे, जो क्रीम में नहीं रहते थे, जो फाइव स्टार में नहीं रहते थे, जो ग्राउंड पे काम करने वाले थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया, जाके अन्य पार्टियों में शामिल हुए। अगर उन लोगों को वापस लाना है, अपनी तरफ नई ज्वाइनिंग करवानी है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही नाम है, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। मेरी पार्टी हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।